कहानी की शुरुआत 1974 में नॉर्थर्न आयरलैंड में शुरू होती है। आयरलैंड के ट्रबल्स के दौरान प्रोविजनल आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के 4 मेंबर बेलफास्ट में कार बम ब्लास्ट करते हैं, जिसमें 6 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 2 तो वो थे जिन्हें वो मारना चाहते थे और बाकी बेगुनाहों में 3 बच्चे और 1 लेडी शामिल थी। वो जल्दी से वहां से निकलते हैं और अपनी कार चेंज करते हुए वो जगहें छोड़ देते हैं, पर कुछ लोगों ने उन्हें ब्लास्ट के टाइम देख लिया था। वो इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि वो डोनेगल के ग्लेनकोलमसिल शहर, जिसमें वो छिपने जा रहे होते हैं, उस शहर का वेलकम बोर्ड भी तोड़ देते हैं। फिनबार मफी डोनेगल के ग्लेनकोलमसिल में एक शांत जीवन जी रहा है। उसका एक विंसेंट नाम का दोस्त टाउन का पुलिस वाला है। वो दोनों टाइम पास करने के लिए निशानेबाजी का गेम खेलते हैं, जिसमें हर बार फिनबार ही जीतता है। उनके उस छोटे से गेम के बाद दोनों साथ में टाउन की ओर लौटते हैं। रास्ते में उनकी बातचीत से पता चलता है कि फिनबार पैसे कमाने के लिए शहर में किताबें बेचता है। तभी रास्ते में वो देखते हैं कि टाउन का वेलकम साइन टूटा हुआ है। विंसेंट वेलकम साइन का टूटा हिस्सा उठाता है और उसे उस कार का कलर पता चलता है जो उससे टकराई थी। जब विंसेंट उसे उसके घर के पास उतारता है तो वो रीता को देखता है, जो अपने बीमार पति के साथ उसके पड़ोस में रहती है। फिनबार का उसके साथ एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन है, जैसा कि वो उसे पसंद करता हो। जब फिनबार अपने घर की ओर बढ़ता है तो वो अपनी कार के वाइपर पर कुछ पत्तियां देखता है, जिसे देखकर वो अपनी कार का डैशबोर्ड खोलता है और उसे उसमें एक लिफाफे में एक आदमी की तस्वीर और पता मिलता है। वह बैंट्री काउंटी कॉक की तरफ जाता है और दिल्ली के काम की तरह उस टारगेट को किडनैप करता है। वो उसे एक जंगल में लाता है जहाँ केविन नाम का उसका एक पार्टनर एरिया की देख रेख कर रहा होता है। वो अपने टारगेट को एक पौधा पकड़ाता है और नदी किनारे लाता है। फिनबार उसे एक फावड़ा देते हुए एक गड्ढा खोदने को बोलता है। आसपास लगे पौधों को देख के लगता है कि फिनबार एक प्रोफेशनल हिटमैन है। गड्ढा खुदने के बाद वो उसे घुटनों में बैठाता है और उसे एक मिनट देते हुए बोलता है कि उसके दिल में जो भी है वो बोल दे या फिर वो भगवान से प्रार्थना कर ले। वो आदमी बोलता है कि उसे पता था कि उसकी जिंदगी में ये दिन जरूर आएगा। साथ ही वो फिनबार को बताता है कि वो पहले एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हुआ करता था, पर उसने वो काम छोड़कर अपने दिल में बची थोड़ी सी अच्छाई को जिंदा रखने के लिए कुछ अच्छा करने का सोचा और बताता है कि उसने अच्छा काम करते हुए एक नई जिंदगी भी चालू की। वो फिनबार को भी सलाह देता है कि उसका कहीं वही हाल हो जैसा उसके साथ हो रहा है, उससे पहले वो ये सब छोड़कर कुछ अच्छे काम करे। घड़ी में टाइम खत्म होता है और फिनबार उसे गोली मार देता है। ऐसा लगता है कि फिनबार के मन में उसकी बात घर कर गई है। काम खत्म करने के बाद फिनबार सीधा अपने बॉस रॉबर्ट के पास उसके घर जाता है। उसके घर पर वो उसकी माँ से मिलता है और केविन को बदतमीजी करने से रोकता है। रॉबर्ट के ऑफिस में वो उसे काम पूरा होने के बारे में बताता है, जिसके बाद रॉबर्ट उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि उसके पास उसके लिए एक और काम है। पर फिनबार उसे बोलता है कि वो अब उसके सारे आगे के काम केविन को दे दे, क्योंकि वो ये सब छोड़ना चाहता है। रॉबर्ट को थोड़ा गुस्सा आता है और वो उससे पूछता है कि वो इस काम के अलावा और क्या करेगा। फिनबार बोलता है कि वो और दूसरे काम कर लेगा, जैसे कि गार्डनिंग। रॉबर्ट उससे ज्यादा बहस नहीं करता और उसे उसके पैसे देते हुए विदा करता है। घर पहुंचकर फिनबार अपने पैसे छिपा के रखता है और अपनी नई जिंदगी के लिए खुश दिखता है। वो अपने गार्डन से फालतू की घास फूस साफ करता है और कुछ नए सीड्स लेने के लिए मार्केट जाता है। रात के डिनर के लिए वो अपनी पड़ोसन रीता के घर जाता है, जहां उसकी बातों से पता चलता है कि वो गार्डनिंग में एक नौसिखिया है, जिसके लिए वो रीता से उसकी मदद मांगता है। डिनर के बाद बाहर टहलते वक्त वो गांव की एक छोटी लड़की मोया से मिलता है, जो कि फिशिंग कर रही होती है। फिशिंग में उसकी मदद करते हुए फिनबार गलती से उसका खाने का डब्बा पानी में गिरा देता है और उसके शरीर में चोट के निशान देखता है, जिससे घबरा कर मोया उससे दूर भाग जाती है, जो कि फिनबार को थोड़ा अजीब लगता है। बार में फिनबार अपने पुलिस दोस्त विंसेंट और उसकी बीवी से मिलता है। साथ ही बार में काम कर रही मोया की माँ सिनेट को भी बताता है कि कैसे आज उसकी वजह से मोया का खाने का डिब्बा नदी में गिर गया। थोड़ी देर बाद वो अपने दोस्त विंसेंट और उसकी बीवी को डांस करते हुए देखता है और अपनी बीवी को मिस करते हुए बार से बाहर चला जाता है। वो देखता है कि मोया अपना घोड़ा तैयार कर रही है। वो उसे समझाता है कि उसने उसकी माँ को सब बता दिया कि उसकी गलती की वजह से खाने का डब्बा पानी में गिर गया और उसे अब उससे डरने की जरूरत नहीं है। फिनबार मोय को घर छोड़ता है, पर जैसे ही वो उसके घर पहुंचते हैं, एक आदमी उसकी वैन से बाहर आता है और मोया से उसका खाना ले लेता है और खुद को उसका चाचा बताता है। फिनबार को उस पर शक है कि वो चोट के निशान उसी ने ही उसे दिए है। वो आदमी खाना लेके आयारे के बाकी मेंबरों के पास जाता है, जहां पता चलता है कि उस आदमी का नाम कर्टिस है और वो उनकी लीडर डोरियन का भाई है, जो उसे देरी से आने के लिए डांटती है। अगली सुबह फिनबार मोया के घर कुछ खाने पीने का सामान लेकर जाता है और उसकी माँ सिनेट को देता है। फिनबार पास ही बैठी मोया के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। मोया उसे पास आता देख कुछ छुपाती है, पर जब फिनबार उसे वो चीज मांगता है तो देखता है कि वो एक गोली है जिसमें क्रॉस का निशान है।
फिनबार के पूछने पर कि ये उसे कहां से मिली, उसे पता चलता है कि वो उसे डराने के लिए कर्टिस ने दिया था। साथ ही फिनबार उससे पूछता है कि क्या उसके शरीर में चोट का कारण वही तो नहीं, पर मोया उसे कुछ भी नहीं बताती। पर तभी कर्टिस वहां आता है और फिनबार से बदतमीजी से बात करता है। सिनेड कर्टिस को वहां से जल्दी भगाने के लिए उसे वो खाने का सामान उसे दे देती है जो फिनबार उनके लिए लाया था। कर्टिस खाना लेके वहां से निकल जाता है। तब सिनेड उसे बताती है कि वो उसके भाई की बीवी का भाई है, जिसकी वजह से उसे रिश्तेदारी निभाने पड़ रही है। वो सीधा वो गोली लेके रॉबर्ट के पास मदद के लिए जाता है, पर रॉबर्ट वो गोली देखकर उस मामले में नहीं पड़ना चाहता। फिनबार उसे बोलता है कि वो उसे बच्ची को परेशान नहीं करने देगा और वो गोली उसकी टेबल में रख कर चला जाता है। फिनबार उसे बीच में नहाते देखता है और जब वो नहा के रोड पर चल रहा होता है तो फिनबार उसके पास अपनी कार लाता है और उसे लिफ्ट ऑफर करता है। कर्टिस उसके झांसे में आ जाता है और फिनबार उसे बातों में उलझाते हुए अपनी गन दिखाने की बात करता है, पर वो उस पर हमला करता है और बेहोश करके कार की डिग्गी में अड़ाल देता है और उसे अपनी सीक्रेट लोकेशन पर ले आता है। जैसे ही वो कार की डिग्गी खोलता है, कर्टिस उस पर चाकू से हमला कर देता है और वहां से भाग जाता है। फिनबार उस पर गोली चलाता है और उसे गिरा देता है, पर जब वो उसके पास जाता है और उसे खत्म करने के लिए उस पर निशाना लगाते हुए बंदूक चलाता है, पर उसकी बंदूक नहीं चलती, जिसे देखकर कर्टिस उस पर हमला करने वाला ही होता ही है कि तभी उसके सर पर गोली लगती है। फिनबार देखता है कि केविन, जिसे रॉबर्ट ने उस पर नजर रखने के लिए भेजा था, उसने कर्टिस को दूर से गोली मारी है। कर्टिस को दफनाने के बाद दोनों बार में जाते हैं, जहां फिनबार को केविन की हत्याओं के प्रति लापरवाह रवैया पसंद नहीं आता और जिसके लिए वो उसे एक पंच भी मारता है। अगले दिन जब कर्टिस वापस नहीं लौटता तो उसकी बहन डोयरेन अपनी गन लेती है और उसमें देखती है कि गन से एक गोली गायब है। उसे वो अजीब लगता है, पर वो उसे लेके कर्टिस का पता लगाने के लिए सिनेड के पास जाती है। पर जब सिनेड उसे बोलती है कि शायद वो मारा गया है, तो डोयरेन उसे धमकाते हुए बताती है कि वो आयरलैंड की आज़ादी के लिए लड़ रही है, इसलिए उसे उससे तमीज से बात करनी चाहिए। जब डोयरेन वहां से निकलती है तो सिनेड उसे बोलती है कि वो अक्सर तैरने जाता था, शायद वो डूब के मर गया हो। डोयरेन उसे ढूंढते हुए बीच के किनारे जाती है, पर वो उसे वहां भी नहीं मिलता। फिर वो बेलफास्ट कॉल करके कर्टिस के बारे में पता करती है, पर वहां से भी उसे उसकी कोई खबर नहीं मिलती। पर उसे एक टिप मिलती है कि वो लोकल माफिया बॉस के पास जाए, शायद वो उसे कोई इन्फॉर्मेशन दे सके। वो रॉबर्ट से मिलने जाती है और उसकी कार की आवाज सुनकर वो टेबल पर राखी गोली को नीचे गिरा देता है। वो उसके ऑफिस आती है और उससे कर्टिस के बारे में पूछती है। रॉबर्ट उसके बारे में जानने से इनकार कर देता है, पर तभी डोयरेन का पैर उसकी गायब हुई गोली पर पड़ता है, जिससे उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो कर्टिस के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानता है। वो उसे गन पॉइंट पर लेती है, जिससे वो फिनबार का नाम सामने लाता है। साथ ही उसे बोलता है कि अब तक तो वो शायद मर गया हो, जिसे सुनकर डोयरेन उसे गोली मार देती है। फिनबार और केविन रॉबर्ट के घर पहुंचते हैं और उसकी माँ को सांत्वना देते हैं। वो दोनों मिलके पुलिस के आने से पहले उसके ऑफिस को साफ करते हैं, ताकि पुलिस वालों को उनके खिलाफ कोई साबुत नहीं मिले। दूसरी ओर डोयरेन अपने साथियों को फिनबार को ढूंढने में मदद करने के लिए मजबूर करती है और एक लोकल दुकान से फिनबार के घर का पता जानने में कामयाब हो जाती है। दुकान के बाहर पुलिस ऑफिसर विंसेंट उस कार को देखता है, जिसका रंग उसे टूटे हुए वेलकम साइन बोर्ड पर मिलता है। वो दुकानदार से पूछता है कि क्या वो उस आदमी को जानता है, तो वो बताता है कि वो अपने चाचा फिनबार के बारे में पूछ रहा था। जब केविन और फिनबार उसके घर के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि कोई उनके घर पर पहले से ही मौजूद है। वो तीनों अगली सुबह तक फिनबार का इंतजार करते हैं और जब फिनबार घर नहीं लौटता तो वो उसके घर के बाहर खड़ी उसकी कार में तोड़फोड़ करना चालू कर देती है। तोड़फोड़ की आवाज सुनकर उसकी पड़ोसन रीटा अपने घर से बाहर आती है। जाते जाते डोयरेन रीटा पर भी हमला करती है। फिनबार यह सब पास ही की पहाड़ी से छिपकर देख रहा होता है और तीनों के जाने के बाद वो रीटा को संभालते हैं। फिनबार और केविन दोनों अब केविन के घर पर छुपते हैं और फिनबार केविन की एक पिस्तौल अपने पास रखता है। वो न्यूज़पेपर खरीदने के लिए शॉप पर जाता है, जहां उसे न्यूज़पेपर से उन तीनों के बारे में पता चलता है। तभी विंसेंट भी वहां पहुंचता है और उससे पूछता है कि उसने कभी बताया नहीं कि उसका एक भतीजा भी है। फिनबार उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और बोलता है कि वो एक अच्छा बच्चा है। फिनबार विंसेंट को उसे सिनेट के घर के पास छोड़ने को बोलता है, जहां उसे उनका ठिकाना मिलता है और कुछ बॉम्ब मिलते हैं। वो पास ही की फुटबॉल फील्ड में जाता है, जहां उसका सामना डोरियन से होता है। वो उसे गन पॉइंट पर लेती है और पूछती है कि उसे उन्हें मारने का ऑर्डर किसने दिया है। फिनबार उसे देखकर सिचुएशन को शांत करने की कोशिश करता है कि उन दोनों ही ने अपने किसी करीबी को खो दिया है और उन्हें इसे यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। डोयरेन इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है और यह जानने की मांग करती है कि उसे किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था। फिनबार वहां से निकलने के लिए उससे बहाना बनाता है और क्लाइंट को उस तक पहुंचाने का ऑफर करता है, जिसके लिए डोयरेन जोर देती है कि वे सिनेट के बार में मिलें।
फिनबार केविन को बताता है कि उसकी उनकी लीडर डोइरिन से बात हो गई है और वो उससे आज रात बार में मिलने वाला है। वो अपनी बिल्ली मोया को देता है और अपनी सेविंग्स केविन को देकर उसे कैलिफोर्निया जाकर गाने लिखने के उसके सपने को पूरा करने के लिए मोटिवेट करने की कोशिश करता है और बार में एंटर कर जाता है। बार में घुसते ही उसे विंसेंट मिलता है और दोनों एक साथ बैठते हैं। तभी डोइरिन भी वहां आ जाती है। वो बार का मुआयना करने का काम करती है और आदमियों को उसे कवर देने का ऑर्डर देती है, जिसमें कॉनन बैकअप के रूप में अंदर और सीमस एस्केप व्हीकल में होता है। साथ ही वो ऑर्डर देती है कि अगर फिनबार भागने की कोशिश करता है तो वो बैग में रखे बम का इस्तेमाल करके बार को उड़ा दे। बार में अंदर विंसेंट को फिनबार पर शक होता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो सच में पैसे कमाने के लिए किताबें बेचता है। फिनबार उसे अपनी असलियत नहीं बताता। फिनबार डोइरिन को बार में आता देखता है और उससे छिप जाता है। विंसेंट बाहर जाता है तो वो कॉनन को बम वाले बैग के साथ अंदर आते देखता है। तभी विंसेंट की नजर सामने खड़ी उनकी कार में होती है और वो उसमें बैठे उस आदमी को भी देखता है जो खुद को फिनबार का भतीजा बता रहा था। वो कार को ध्यान से देखता है, जिससे कार का रंग और उसका साइड से ठुकना विंसेंट को यकीन दिलाता है कि शहर का वेलकम साइन बोर्ड उन्होंने ही तोड़ा है। फिनबार और डोइरिन के बीच हो रही टेंस बातचीत के दौरान केविन वापस बीच में आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर डोइरिन केविन को फिनबार का क्लाइंट समझ लेती है और उसे पेट में गोली मार देती है, जिससे बार में गोलीबारी शुरू हो गई। विंसेंट गोलियों की आवाज सुनकर अंदर आता है और बॉम्ब वाले बैग को बाहर ले आता है। सीमस विंसेंट को बैग के साथ देख लेता है। वो विंसेंट पर हमला करता है और उससे बैग लेता है। अंदर गोलीबारी के बीच डोइरिन फिनबार पर पीछे से गोली मार ही रही होती है कि केविन फिनबार को बचाते हुए डोइरिन की पीठ पर गोली मारता है। सीमस बॉम्ब चालू करके बार के अंदर फेंकने वाला ही होता है कि फिनबार उसे गोली मार देता है और बॉम्ब बार के बाहर गिर जाता है और उससे होने वाले ब्लास्ट में सीमस की मौत हो जाती है। बार में कॉनन और फिनबार के बीच लड़ाई चालू हो जाती है, पर फिनबार उसी को उसके चाकू से मार गिराता है। इसी बीच डोइरिन वहां से भागने के लिए कार की ओर जाती है, लेकिन चाबी के बिना उसे स्टार्ट नहीं कर पाती जो सीमस के पास थी। वो कार से निकल के भागती है और फिनबार पर हमला करने की कोशिश करती है, पर उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो जाती है। उसी कार में फिनबार को अपनी बंदूक मिलती है। फिनबार को अपनी और आता देख गंभीर रूप से घायल डोइरिन लंगड़ाते हुए एक चर्च की ओर भागती है। थोड़ी देर की बातचीत के बाद वह अपने घावों से मर जाती है। फिनबार उसे ले जाता है और उसके भाई के बगल में उसे दफना देता है। फिनबार रीता को अलविदा कहता है और ग्लेन को लिमसिल को छोड़ के चला जाता है।